नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कार ट्रेल लिमिटेड का जो आईपीओ आया था जिसमें लगातार गिरावट हो रही थी दोस्तों, तो अब इसमें आगे क्या रणनीति होनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। कल हमने जो स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी दोस्तों उसको मैं दोबारा थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों प्राइस एक्शन क्या हो रहा है दोस्तों, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और डेटा क्या कह रहा है उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था कि ये डेली चार्ट के ऊपर है और फिर हम चलेंगे दोस्तों डेली चार्ट के बाद हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा था दोस्तों 23 सितंबर का जो डेटा है वहाँ पे ओपन हुआ था 1397 को, हाई बनाया 1411 का दोस्तों स्टॉक ने और लो बनाया 1380 का, क्लोज आया 1381, यानी कि दोस्तों उसी के आसपास जहाँ पे लो बना वहाँ पे क्लोज आया। उसी के सेकंड डे 24 सितंबर को भी अगर बात की जाए तो दोस्तों सेम सिचुएशन था कि क्लोज आया 1325 का, लो बनाया था 1320 का दोस्तों, ओपन हुआ था 1390 का और 1394 का ही हाई बनाया था दोस्तों। और बाकी के जो दिन थे वहाँ पे दोस्तों 27 सितंबर को ओपन बना 1345, हाई बनाया 1345, यानी कि जहाँ से ओपन हुआ वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ और दोस्तों लो बनाया 1291, काफ़ी बड़ा था और 1295 दोस्तों आपको थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा दोस्तों लेवल, बट प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या होता है स्ट्रेटेजी। अब 28 सितंबर की बात की जाए तो दोस्तों ओपन हुआ 1300, हाई बनाया 1315 का, लो बना 1260 और क्लोज कहाँ दिया दोस्तों 1267, बट दोस्तों ओपन हुआ फिर हाई बनाने की चेष्टा की थी दोस्तों। यानी कि ये तीन दिन में अगर देखा जाए तो दोस्तों इतना कुछ बायर्स एक्टिवेट नहीं थे, बट यहाँ पे कुछ बायर्स एक्टिवेट हुए और 29 सितंबर को जो दिन था कल का, तब मैंने बोला था कि दोस्तों बायर्स एक्टिवेट हुए हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ओपन हुआ था 1265, हाई बनाया 1290 तक का और फिर लो बनाया 1214 और दोस्तों क्लोज देखिए कहाँ पे 1234, यानी कि कुछ लोग धक्का मार रहे थे जो नज़दीक क्लोजिंग आ रही थी 5-7 रुपये, वहाँ पे ऊपर 20 रुपये ऊपर क्लोज हुआ। और दोस्तों आज का दिन देख लीजिए जहाँ पे दोस्तों लो बनाए, प्रीवियस लो था 1214, नोट कर लीजिए इस लेवल को, और आज का लो है 1211 का जो लो था दोस्तों उसी को दोस्तों ओपन हुआ था 1227 और हाई बनाया कहाँ तक दोस्तों 1277 दोस्तों। तकरीबन 5 दिन ट्रेडिंग सेशन के बाद आज उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है स्टॉक ने दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसकी फितरत है, पहले 3 दिन के बाद एक ग्रीन कैंडल दिया था, उसके पहले भी 3 दिन के बाद एक ग्रीन कैंडल दिया था, 4 दिन के बाद ग्रीन कैंडल किया, कंसोलिडेट किया, फिर बढ़ा भी था दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि बॉटम बन गया, एक दिन के ग्रीन कैंडल से बॉटम नहीं बना है। और दोस्तों ये जो कैंडल है वो भी दोस्तों वैसा कैंडल नहीं है जिससे हम बोल सके कि बायर्स ज़बरदस्त एक्टिव हुए हैं। बायर्स कब एक्टिव हो सकते हैं तो उसका दोस्तों 5 अक्टूबर का डेट है जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, जहाँ पे कुछ अच्छे रिजोल्यूशन आती है कंपनी की एंड से, कुछ अच्छा आता है तभी कुछ हो सकता है, बाकी दोस्तों नहीं है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर दोस्तों। क्यों समझने की कोशिश करते हैं? क्योंकि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आज का दिन है दोस्तों, इसको जाने देते हैं पहले। पिछले दिन में आप मुझे बताओ कि कोई बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा है? यहाँ पे देखो दिख रहा है दोस्तों, कब? 29 सितंबर को ओपन हुआ पहला ही कैंडल दोस्तों, पहला ही कैंडल है जो ओपन हुआ था दोस्तों और वहीं पर दोस्तों स्टॉक भागा दोस्तों। ये जो कैंडल है यहाँ पे ओपन हुआ 1264 का, हाई बनाया 1290 और दोस्तों लो बना दिया, फिर नीचे आया धड़ाम करके, नीचे आके क्लोज हो गया दोस्तों स्टॉक। अब थोड़ा जूम करते हैं और वहाँ पे भी समझ नहीं करते, ऐसा कोई बड़ा कैंडल दोस्तों इन बिटवीन कभी भी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर नहीं बनाए। सेलर्स हाई रहे हैं दोस्तों, सेलर हाई रहे हैं, नीचे ही धकेल रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों छोटे मोटे कैंडल बन रहे थे, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों एवरीडे का आप देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी हमें अच्छे ग्रीन कैंडल नहीं दिख रहे थे। अब पिछले दिनों की क्लोजिंग और इसमें क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों यहाँ पे आज ओपन हुआ है 30 सितंबर को नॉर्थ, इसमें आप कैंडल देखेंगे 15 मिनट का, तो ओपन हुआ था 1226, हाई बनाया 1238 का, लो बनाया 1221 और क्लोज दिया 1224।
फिर दोस्तों कॉन्सिलेट करने की कोशिश करी, नीचे लो बना दिया और फिर एक बेस बनाने की कोशिश की। जैसे ही ये बेस टूटा, जबरदस्त बाइंग हुआ दोस्तों 1217 से दोस्तों। ऐसा बड़ा कैंडल पिछले 5-6 दिनों में ऐसा कोई ग्रीन कैंडल 3 सलंग हो और इतना बड़ा हो वैसा कोई कैंडल बना ही नहीं दोस्तों। और क्लोज कहाँ दिया है दोस्तों? प्रीवियस क्लोज था उसी के आसपास क्लोज दिया है दोस्तों स्टॉक ने। यानी कि स्टॉक अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, बाय करने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करनी है हमें, क्योंकि बाय करने में एक रिस्क भी है। क्योंकि 5 अक्टूबर को जब कुछ रिजल्ट आएगा तब हम बता सकते हैं, बट डेटा क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर दोस्तों चलते हैं पहले। तो यहाँ पे कार ट्रेड लिमिटेड का दोस्तों जो क्लोजिंग प्राइस आज का 1239 है, और एनएससी के साइट के ऊपर आप देखोगे कि क्वांटिटी ट्रेडेड है वो 8,70,000 है, कल के से थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम है दोस्तों। और डिलीवरी क्वांटिटी है वो 4,98,000 है और 57.27% का डिलीवरी परसेंटेज है। कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि कल का जो डिलीवरी था वो 62.7% था 29 सितंबर को, 28 सितंबर को 51.2% था, 27 सितंबर को था 64.9% और 23 सितंबर को 61.1 था। यानी कि अच्छी खासी डिलीवरी हो रही है दोस्तों और डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है गिरावट के टाइम में दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों दो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए, कि अगर ये लो तोड़ देता है दोस्तों 1214 का है और आज का जो लो है 1211 दोस्तों, तो 1211 के नीचे चला जाता है स्टॉक 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो हमें सेल कर देना है दोस्तों। या दूसरा स्ट्रेटेजी है कि अगर हमें मिलता है अराउंड 1211 का स्टॉप लॉस रख दीजिए और यहाँ पे 1236, वहाँ पे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है अपना, ऑलमोस्ट 26 रुपये का रिस्क हो जाता है। तो अगर आपको 1215 या 1220 के आसपास मिलता है तो 10 रुपये के रिस्क के साथ आप दोबारा एक कोशिश कर सकते हैं। बट दोस्तों ऐसा जैसे कैंडल बना है वैसा पहले भी बना था तो बाद में गिरावट आई थी दोस्तों, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक बॉटम नहीं बना है दोस्तों। और बॉटम कब बनेगा वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो हमें तभी पता चलेगा जब कंपनी के एंड से कुछ अनाउंसमेंट आए, कुछ आए कि क्या हो रहा है, क्यों इतना प्राइस गिर रहा है, कौन बेच रहा है इतना, कौन सा उनका जो बड़ा शेयर होल्डर है वो बेच रहा है, क्या हो रहा है उसके बाद होगा। या फिर म्यूचुअल फंड का बाइंग आए, वो कुछ इंटरेस्ट दिखाए, तो फिर इसमें रुकावट थम सकती है और स्टॉक ऊपर चल सकता है दोस्तों। तो ये सारे दोस्तों मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही दोस्तों आप इसमें ट्रेड या निवेश कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।